युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत चल रहे सप्त दिवसीय श्री राम कथा का तात्विक विवेचन के 6वें दिन कथा व्यास असर्पी भवन अयोध्या के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य श्रीधराचार्य ने व्यास मंच से कहा कि स्थान की बहुत महिमा होती है। गोरक्ष पीठ जहाँ के संतों की एक सुदीर्घ परंपरा रही है, जहाँ पर भगवान महादेव आर्यावतार रूप में गोरखनाथ जी की प्रतिमा के रूप में विराजमान है, ऐसी सिद्ध पीठ जहाँ योग विद्या की ऊर्जा का संचार होता रहता है, ऐसे स्थान पर भगवान श्री राम कथा का श्रवण परम कल्याणकारी होगा। गोरक्ष पीठ की एक और विशेषता है कि यहाँ गौ सेवा तथा गोरक्षा का प्रति वर्ष संकल्प लेकर अधिकाधिक क्रियान्वित किया जाता है। उन्होंने जन जन का कल्याण करेंगी गौ माता भजन सुनाकर गौ सेवा के महत्व को बताते हुए कथा व्यास ने कहा कि भगवान राम के जन्म के दिन भी अयोध्या में गौ माता की विधिवत पूजा की गई थी। गौ के घी से यज्ञ करने पर वातावरण शुद्ध होता है तथा यज्ञ मेघ बनकर दृष्टि करते हैं। गोघृत से यज्ञ करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। हम सभी के जीवन में यज्ञ का संपादन करने में गौ और ब्राह्मण का बहुत महत्व है। गाय व ब्राह्मण के शरीर में साक्षात ईश्वर होता है, इनकी पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। संसार का कोई भी जीव जंतु जिनके चिंतन मनन में शुष्क होकर रुदन करे वही प्रभु श्री राम है। जिनका वध भगवान अपने हाथों से करते हैं वे भी भगवान की महिमा का गान करते हुए प्राण त्यागते हैं। भगवान जब पंचवटी में रहते हैं उस समय पशु पक्षियों का उनके प्रति प्रेम का वर्णन रामायण में किया है। भगवान के प्रति भरत का प्रेम अचित्वत प्रेम होता है। स्वयं को जड़ भाव के रूप में मानकर आराध्य को चेतन मानना ही अचित अर्थात जड़वत प्रेम है। भक्त अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में मानकर उनकी भक्ति को अपने जीवन का एकमात्र प्रयोजन बना लेता है। यही दशा भरत की प्रभु श्री राम के प्रति रही, इसलिए रामायण में भरत की भक्ति को श्रेष्ठ भक्ति बताई गई है। ऐसी अवस्था के भक्तों को अपनी चिंता नहीं रहती, भगवान स्वयं ही भक्तों की चिंता करते हैं। पंचवटी में भगवान भरत को उसी तरह याद करते हैं, तभी पंचवटी में घूमते घूमते सुपनखा आ जाती है और वह प्रभु को देखकर मोहित हो जाती है। भगवान उसका परिचय पूछते हैं तो आप बताती है कि वह रावण की बहन है। वह झूठ बोलती है कि मेरा विवाह नहीं हुआ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। भगवान उसको समझाते हैं कि तुम राजकुमारी हो, तुम मेरी पत्नी सीता के साथ कैसे रहोगी, तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, उसके साथ रहो। लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो उनका सेवक हूँ, मेरे पास तुमको दासी बनकर रहना पड़ेगा। राम जी राजा हैं, उनके पास रानी बनकर रहोगी, उन्हीं के पास जाओ। वह नहीं मानती है और सीता जी पर आक्रमण करना चाहती है तो उसका नाक कान लक्ष्मण जी काट देते हैं। वह रोते रोते खरदूषण के पास जाती है, देखकर खरदूषण युद्ध के लिए आते हैं। भगवान उन सब का वध कर देते हैं और फिर वह रोते रोते लंका जाती है। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा यह ना पूछो कि मरकर किधर जाएगा। कथा व्यास ने भजन सुनाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भगवान का स्वरूप रमणीय है, ऐसी रमणीयता है कि शूर्पनखा अपने नाक कान कटने पर भी उनके सुंदरता का ही वर्णन रावण के सामने करती है। यही राम जी का अभिराम गुण है कि शत्रु भी उनकी सुंदरता का गुणगान करता है। रावण क्रोधित होकर मारीच को बुलाता है तो मारीच उसको बताता है कि वह राम सामान्य वनवासी नहीं है, स्वयं परब्रह्मा परमात्मा है। उनके विपरीत जाना अमंगलकारी ही होगा, आप उनसे शत्रुता ना करें। किंतु अभिमानी रावण क्रोध में आकर कहता है कि नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोनों तरफ मरण देखकर मारीच भगवान के हाथों वरना स्वीकार करता है। प्रभु के करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। भजन गाकर कथा व्यास ने ईश्वर की करुणा का वर्णन किया। भगवान से जानकी जी का 3 बार वियोग होता है, किंतु तीनों का अलग अलग प्रयोजन रहा है। रावण के द्वारा हरण होने पर जो वियोग होता है उसका प्रयोजन दुष्ट रावण को समझाने के लिए उसके साथ जाती है, जैसे कोई माँ अपने बालक को दलदल में जाता देखकर स्वयं उसमें कूदकर बचाना चाहती है। दूसरा वियोग तब होता है जब लोक अपवाद के कारण सीता को वन में छोड़ा जाता है। उसका प्रयोजन रामायण में बताया गया है कि सीता जी गंगा तट पर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों के दर्शन कराने के लिए उनको ले जाकर लखनलाल छोड़ वन में छोड़ते हैं।
तीसरा वियोग तब होता है जब नैमिषारण्य में भगवान यज्ञ करते हैं, वहाँ वाल्मीकि जी के साथ सीता जी आती हैं। महर्षि वाल्मीकि जी सीता जी के लिए भगवान से निवेदन करते हैं, राम जी ने कहा कि मैं इन प्रजाजन के कहने पर ही सीता का त्याग किया था, आप प्रजाजन से पूछ लीजिए, यदि वे कहें तो मैं स्वीकार कर लूँगा। इस पर सीता जी माता पृथ्वी का आवाहन करती हैं और पृथ्वी फट जाती है, सीता जी उसमें समाहित हो जाती हैं। इसका प्रयोजन जीवों के प्रति भगवान का सद्भाव प्रदर्शित करना रहा। कथा का प्रारंभ व्यास मंच की पूजन से तथा समापन आरती और प्रसाद वितरण से हुआ। संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, यजमान अवधेश सिंह, बृजेश मणि त्रिपाठी, विनय गौतम आदि उपस्थित रहे। तुमने
जिन्होंने आहार पर विजय प्राप्त की थी, आज उसका फल मिल गया। भाव विभोर हो गई सबली। सबली कहती है, भगवान आइए दिखाऊं मैं अपने गुरु जी की महिमा। राम जी की स्तुति नहीं करती, वाल्मीकि रामायण रामचरित मानस ने तो किया है। कितना दैन्य भाव है रामचरित मानस में, अधम ते अधम अधम अति, कितना दैन्य भाव है, बड़ा सुंदर भाव। लेकिन वाल्मीकि रामायण में उतना भी नहीं। आइए रघुवर देखिए तो सही, मेरे गुरुदेव का प्रभाव, उनके तप का प्रभाव। मेरे गुरुदेव को गए वैकुंठ कई वर्ष हो गए, परंतु उनके कंठ की जो माला थी, पुष्पहार था, वो अभी भी सूखा नहीं है, वैसे रखा हुआ है। गुरुदेव के पर्ण कुटीर में पूजा के पुष्प निरंबलान बिना सूखे वैसे रखे हैं। मेरे गुरुदेव के वस्त्र स्नान करके जो सूखने को डाले थे, वो अभी भी उसी प्रकार गीले वस्त्र भी शाखाओं में लटके हुए सूखे नहीं। मेरे गुरुदेव जिस यज्ञ कुंड में आहुति देते थे, यज्ञ करते थे, उनके वैकुंठ पदार्पण के बाद किसी ने आहुति नहीं डाली, किसी ने संविधा नहीं डाली यज्ञ कुंड में, लेकिन यज्ञ कुंड की अग्नि अभी भी प्रज्वलित है, बुझी नहीं है। ये मेरे गुरुदेव की महिमा है। राघव देखिए ना, हमारे गुरुदेव जब अस्वस्थ हो गए, तीर्थों में नहीं जा पाते थे, तो सारे तीर्थ इसी कुंड में आकर निवास करने लगे थे। ये हमारे गुरुदेव की महिमा है। राम जी कहते हैं, तभी तो मैंने तुमसे पूछा। प्रभु राम स्वयं सबरी से कहते हैं कि जैसे बादल बहुत गड़बड़ाए, गर्जना करे, लेकिन बारिश ना हो तो बादल सुंदर नहीं दिखते। व्यक्ति कितना सुंदर हो, कितना धन धान से संपन्न हो, लेकिन प्रभु चरणों में भक्ति प्रीति ना हो तो सब व्यर्थ है। उसी प्रकार बहुत कुछ हो किसी के अंदर, लेकिन मेरे चरणों में भक्ति ना हो तो उसका जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। नौ प्रकार की भक्ति का प्रभु ने उल्लेख किया है। प्रथम भक्ति सं बड़ी कृपा है। हमारे परम योगी श्री कमलनाथ जी महाराज यहाँ भगवान की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की पूर्ण सेवा करते हैं और प्रतिदिन आपका दर्शन प्राप्त हो, महाराज जी का भी दर्शन मिल रहा है। और माता हनुमानगढ़ी फैजाबाद, जिसको अयोध्या महाराज जी ने कर दिया है, तो पता चला वहां गए हैं और फिर पता चला कि महाराज जी को भंडारा नहीं देते तो फिर कहां दर्शन आपको मिलेगा। लेकिन ऐसे महापुरुषत्वय देदीप्यमान नक्षत्र सनातन धर्म के, जिनके पावन स्मृति में सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, उनकी पुण्य स्मृति में और हमारे यशस्वी मनस्वी कर्मनिष्ठ परम योगी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर के पावन ग्रह से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक ही जगह संतों का दर्शन मिलेगा। और जब संतों का दर्शन मिलता है तो दूसरी भक्ति अपने आप आ जाती है। दूसरी भक्ति क्या है? संत बैठेंगे तो हरी चर्चा ही करेंगे, भगवत चर्चा करेंगे, तो चर्चा आप सुन ही रहे हो, तो बड़ी लंबी भक्ति है नौ प्रकार की। इसलिए उस भक्ति का उल्लेख हम लोग कल अनुभव करें। कल विश्राम दिवस भी है, कल किसके माँ की भी मार्मिक कथा है। कई लोगों के मन में एक संदेह रहते हैं ना कि राम जी ने छिपकर बाली का वध क्यों किया आदि आदि, उन सब का समाधान करेंगे। कोई व्यक्ति निश्चल भाव से करावे तो सर्वम न्यायम युक्तिमत्वा विदुषाम किमशोभनम, सबका समाधान है। कोई दुराग्रह लेकर आवे तो नहीं है। सुंदर कांड की सुंदर संक्षिप्त चर्चा भी सुनेंगे और लंका कांड में राक्षसों के वध करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए तो दो मिनट में राक्षसों का उद्धार करके राम जी को राज्याभिषेक
हो करके हम कल दर्शन करेंगे, अनुभव करेंगे। और जैसा आप अब आगे देखिए अपने कर्तव्य निष्ठ भगवान जी, हम तो सोचते आज प्रकट नहीं हो रहे हैं, कुछ रस धारा बढ़ेगी, लेकिन इस सोचते ही देखिए आप प्रकट हो गए। तो समय की मर्यादा है, भाव भक्ति से श्री रामायण जी की आरती करेंगे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे 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 बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे दीन गए दिन भजन बिना रे भजना रे सभागार के दोनों दरवाजों पर पहुंच गए हैं।